नहीं मानी तो भुगतोगी अंजाम, बुरखा नहीं पहना तो कर देंगे जीना हराम। खुला रह गया सिर अगर, कठिन हो जाएगी कॉलेज की डगर। मंचलों का ताली बारी फरमान, छात्राएं हुई खासी परेशान। घर से स्कूल तक छेड़छाड़, स्कूल से घर तक छेड़छाड़। बुलंद शहर की बेबस बेटियां। क्यों आखिर बेबस है बेटियां बुलंदशहर में कॉलेज जाते हुए, क्यों मनचले उनको छेड़ते हैं और क्यों वो कहते हैं कि बुरखा पहनकर जाया करो वरना इसी तरह से हाल होता रहेगा। परेशान हो गई बेटियां, शिकायत की गई पुलिस के अंदर। मगर दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां पर कॉलेज जाने वाली छात्राओं के साथ में कुछ मनचले गली मोहल्लों में नुक्कड़ पर खड़े होकर के उनके साथ में छिड़खानी करते थे, बदतमीजी करते थे। और जब उन छात्राओं ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि अगर कॉलेज जाना है, कॉलेज से आना है सही सलामत, तो फिर आपको बुरखा पहनना होगा। जाहिर तौर पर एक दिन, दो दिन, तीन दिन छात्राएं परेशान हुई, उन्होंने शिकायत की अपने परिजनों से और पुलिस प्रशासन में इस बात की शिकायत दी गई। उसके बाद में पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है। मगर ये मानसिकता देखिए, हम भले ही चांद पर क्यों ना पहुंच गए हों, मगर इस किस्म की मानसिकता के साथ में अपने क्रिमिनल ऑफेंस को जस्टिफिकेशन उसका किस तौर पर देते हुए ये नजर आते हैं ऐसे मनचले। हालांकि कार्रवाई किस तौर पर इस पर होगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं एसडीएम साहब। सराय मुर्तजा मोहल्ले की कुछ लड़कियां आई थी मेरे यहाँ, काफ़ी डरी सहमी थी कि जब हम कॉलेज या स्कूल जाते हैं तो मोहल्ले के कुछ मनचले लड़के हमें स्कूल कॉलेज जाने से रोकते हैं, हमें छेड़ते हैं और हमें कहते हैं कि बुरके में रहो, इस तरह की बातें। उनका कहना था कि हमारा परिवार जब हमें नहीं रोकता है तो मोहल्ले के मनचले लड़के हमें क्यों रोक रहे हैं। जाहिर तौर पर मामला संवेदनशील था। R9 की टीम वहां पर पहुंचती है, हमारे संवाददाता वहां पहुंचते हैं, हालात का जायजा लेते हैं, पुलिस प्रशासन से लेकर के उन पीड़ित छात्राओं से बात करते हैं और वहां के लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। आइए सुनाते हैं आपको। इस वक्त मेरे साथ RLD का एक बड़ा नाम कहा जाने वाली अंजुम मुस्कान जी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कितने इत्तेफाक रखती हैं उस तरह की बातों से कि किसको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। जिस तरह से खुर्जा में कुछ मंचलों ने छात्र स्कूल जाती हुई छात्राओं पर, कॉलेज जाती हुई छात्राओं पर दबाव बनाया था कि वो जब भी जाएँ बुरखा पहन कर जाएँ, अन्यथा उनको परेशान किया जाएगा, उनको कॉलेज नहीं दिया जाएगा। तरह से देखती हैं आप पूरे तौर पर आज कहाँ जा रहा है और क्या कहें। मैं इसकी निंदा करती हूँ, कोई भी धर्म हम पे जबरदस्ती करने की इजाज़त नहीं देता है कि हम क्या पहने और क्या नहीं पहने। ये हमारी अपनी स्वच्छता है कि हम जो अपनी मर्जी से जो पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और सवाल करना चाहती हूँ कि शायद 19वीं प्रधानमंत्री जो हमारे भारत की प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया था लोगों को कपड़ों से पहचानो, तो शायद उन्हीं के बयान से प्रेरित होकर उन लड़कों ने इस तरह की बयानबाजी की है उन लड़कियों पे कि बुरखा पहन कर जाओ। तो मेरा मानना यह है कि हम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आप मानती हैं कि जो किस तरह की बातें करते हैं, जो तरह के दबाव बनाते हैं छात्राओं पर, उनको उनका मानसिक शोषण करते हैं, उनको दिशा से भटकाते हैं, कार्रवाई किस तरह की उन पर होनी चाहिए? बिल्कुल, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये मिसाल बने कि आगे कोई भी अपनी सोच महिलाओं पर, लड़कियों पर ना थोप पाए। तो हमारे साथ ही अंजुम मुस्कान जी जो RLD का एक बड़ा नाम है जनपद बुलंदशहर का, उनका साफ यही कहना है कि मैं कड़े शब्दों में इस पूरे मामले की निंदा करती हूँ। कैमरामैन शाकिर खान के साथ मैं समीर अली, R9 TV बुलंदशहर।